हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज नंबर 9.1 चल रही थी अपने और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपन ने सॉल्व कर लिया था। अपन आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यहां से आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, एड द फॉलोइंग, कुछ अपने पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उनको आपको क्या करना है, एड करना है। तो फर्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है अपने पास में, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, सी ए माइनस ए बी, इन तीनों को क्या करना है, एड करना है। एड करने में और माइनस करने में ध्यान रखना, जो अपने पास में केवल लाइक टर्म्स होगी उनको अपन केवल क्या कर सकते हैं, एड या माइनस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सबको एड करना है, तो सबसे पहले आप प्लस का साइन लगा के एड कर दो, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। पहली जो अपने पास में एक्सप्रेशन हो गया ए बी माइनस बी सी, इसको लिख दिया ए बी माइनस बी सी, ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में प्लस का साइन लगा दो क्योंकि एड करना है, ठीक है, प्लस का साइन लगाना है आपको एड करने के लिए। फिर जो सेकंड अपने पास में एक्सप्रेशन है उसको लिख दो बी सी माइनस सी ए, ठीक है, फिर प्लस करना है प्लस। थर्ड जो एक्सप्रेशन उसको लिख दो सी ए माइनस ए बी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो सेम टर्म्स अपने पास में है कि लाइक टर्म्स, उनको एक जगह लाएंगे। लाइक टर्म का मतलब जिसका वेरिएबल और उसकी पावर क्या हो, सेम हो, वो सभी क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं। तो लिख दो, देखो यहाँ पे पहला अपने पास में ए बी, ठीक है, यहाँ पे चेक करो ए बी कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस का ए बी, तो इसको लिख दो यहाँ पे पास में माइनस का ए बी, ठीक है। अब सेकेंड वाला लिख दो माइनस का बी सी, चेक करो कहाँ पे, यहाँ पे पास में पड़ा है, यहाँ पे प्लस का बी सी लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ये सी ए माइनस का सी ए और प्लस का सी ए, ठीक है। अब देखो प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, माइनस का बी सी प्लस का बी सी कैंसिल हो गया, माइनस का सी ए प्लस का सी ए कैंसिल हो गया, कितना बचा, जीरो बचा, कितना बचा, जीरो बचा, ठीक है। ए बी प्लस का है, माइनस का ए बी, दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, माइनस का बी सी है प्लस का बी सी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, माइनस का सी ए प्लस का सी ए एक दूसरे से कैंसिल हो गए, कितना बच गया, जीरो बच गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला देखो सेकंड जो पार्ट है इसका, वो देखो क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर सी माइनस ए प्लस ए सी, इसको क्या करना है, एड करना है, ठीक है। वही तरीका सेम, सबसे पहले इन सबको प्लस के साइन से जोड़ दो। तो पहले जो एक्सप्रेशन हो गया अपने पास में ए माइनस बी प्लस ए बी, इसको लिख दो ए माइनस बी प्लस ए बी, इसको प्लस करना है सेकंड एक्सप्रेशन से, तो लिख दो प्लस का साइन लगाना है आपको। सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दो b माइनस सी प्लस बी सी, ठीक है, फिर प्लस का साइन, प्लस क्यों लगाने, क्योंकि अपन को एड करना है। जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसको लिख दो c माइनस ए प्लस एस, ठीक है, वही तरीका सेम। अब अपन क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक जगह लाएंगे, और लाइक टर्म क्या होती है, जिसका वेरिएबल और उसकी एक्सपोनेंट क्या हो, पावर क्या हो, सेम हो। तो सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट वाली जो टर्म्स होगी उनको एक जगह लिखेंगे। अपने पास में पहले a, ये लिख दिया a, अब आपको चेक करना है आगे a कहां दिख रहा है आपको, तो a यहां पे दिख रहा है आपको माइनस का a, तो पास में लिख दो माइनस का a, फिर आगे क्या अपने पास में माइनस का b, ठीक है, आगे यहां पे b कहां दिख रहा है आपको, ये रहा, प्लस का b लिख दो पास में, ठीक है। आगे क्या अपने पास में प्लस का ए बी, तो लिख दो प्लस का ए बी, ठीक है। आगे कहीं भी ए बी दिख रहा है कि आपको, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे चलो, प्लस का भी अपन ने लिख दिया, आगे क्या है माइनस का सी, तो लिख दो माइनस का सी, सी और कहीं पे दिख रहा है कि आपको, ये रहा प्लस का सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्लस का बी सी, तो लिख दो प्लस का बी सी, ठीक है, और बी सी कहीं पे भी नहीं है तो छोड़ दो, सी अपन ने लिख दिया, माइनस का ये अपन ने लिख दिया, और जो एस सी है उसको नहीं लिखा, तो इसको अपन लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो गया, और प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल हो गया,
बाकी जो बचा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्या बचा? एक तो एबी बचा, ठीक है, फिर बचा बीसी, फिर बचा एससी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो अपना आंसर कितना आ गया? एबी प्लस बीसी प्लस एससी, ठीक है। थर्ड क्या अपने पास में? थर्ड अपने पास में 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। सेकेंड जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², ठीक है। यही है अपने पास में, ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे? एड करेंगे। वही तरीका, सेम तरीका रहेगा। क्या करोगे? सबसे पहले प्लस के साइन से जोड़ दो दोनों को, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। ये तो हो गई अपनी पहली एक्सप्रेशन। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको प्लस के साइन से जोड़ दो, प्लस का साइन लगा दिया, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², ठीक है। अब क्या करोगे? जो लाइक टर्म्स है उनको एक जगह लिख दो। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिनके वेरिएबल और उनके एक्सपोनेंट क्या हो? सेम हो, यानी कि पावर क्या हो? सेम हो। वेरिएबल और पावर दोनों सेम होने चाहिए। वो क्या होती है? लाइक टर्म्स होते हैं, उनको एक साथ में लिखना आपको। तो पहले जो अपने पास में टर्म्स है वो लिख दो, 2p² q². अब आगे चेक करो कहां पे आपको p² q² दिख रहा है। तो देखो यहां पे केवल pq है, यहां पे भी pq है, यहां पे क्या आ रहा है? p² q² आ रहा है। तो इसको यहां पे लिख दो, माइनस 3p² q², ठीक है। ये भी अपन ने लिख दिया, ये भी अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट पे चलो, क्या अपने पास में? माइनस का 3pq, तो लिख दो माइनस का 3pq, ठीक है। आप चेक करो कहां पे pq दिख रहा है आपको? तो ये तो अपन ने लिख दिया, यहां पे आपको दिख रहा है 7pq, तो लिख दो प्लस का 7pq, ठीक है। आगे चलो, यहां पे दिख रहा है 4, ठीक है, यहां पे लिख दो 4। आगे कहां पे आपको नंबर दिख रहा है? ये रहा नंबर, प्लस का 5। सब आगे, अब इनको सोल्व करते हैं। अब देखो 2p² q² में से माइनस करना है 3p² q², कुछ ही नहीं करना। जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाओ पहले। तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 3 है, तो माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि 3 के पास में कौन सा साइन है? माइनस है, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा? 1। और p² q² यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कितना बचेगा? 1p² q², और 1 को अपन लिखते नहीं है, तो लिख दो माइनस का p² q², ठीक है। क्या किया अपन ने? 2p² q² में से माइनस करना है 3p² q², ठीक है। तो बड़ा नंबर है जो है उसका साइन रहेगा, तो अपने लगा दिया जो बड़ा नंबर है 3, इसका साइन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 3 में से 2 माइनस किया कितना बचेगा? 1, और 1 को अपन लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई में क्या आपके p² q², तो क्या आ गया? माइनस का p² q². आगे चलो, यहाँ पे आपके पास में माइनस का 3pq और यहाँ पे प्लस का 7pq। बड़ा जो नंबर है उसका साइन रहेगा, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 7। 7 के पास में साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस लगा दो, ये प्लस, ठीक है। 7 में से 3 को माइनस करो कितना बचेगा? 4, या गया 4, ठीक है। और आगे क्या अपने पास में मल्टीप्लाई में? pq, तो pq लिख दो, ठीक है। आगे चलो, आगे अपने पास में है 4 और 5, दोनों को एड कर दो, क्योंकि दोनों का साइन क्या है? प्लस का है, तो प्लस 4 और 5 कितने होते हैं? 9। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या करना है? इन सबको एड करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन इन सबको प्लस के साइन से एड कर देंगे। तो लिखो पहले एक्सप्रेशन वो क्या अपने पास में? l² + m² फिर प्लस का साइन लगाना आपको, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको लिख दो m² + n² फिर प्लस का साइन, फिर जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसको लिख दो n² + l² फिर प्लस का साइन, और जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसको लिख दो 2lm + 2mn + 2nl। अब क्या करना आपको? जो लाइक टर्म्स है उनको एक जगह लिखना है। तो यहां पे अपने पास में क्या है?
एल स्क्वायर तो लिख दो एल स्क्वायर, ठीक है। और कहीं पे आपको एल स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये रहा एल स्क्वायर, तो इसको लिख दो पास में एल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या अपने पास में प्लस का एम स्क्वायर, और कहीं पे भी एम स्क्वायर है क्या, ये रहा तो लिख दो प्लस का एम स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर तो लिख दो एन स्क्वायर, पास में ही है प्लस का एन स्क्वायर, ये लिख दो। उसके बाद में टू एल एम तो ये लिख दो टू एल एम, एल एम का और कुछ भी नहीं है अपने पास में, तो आगे वाला लिख दो प्लस का टू एम एन, एम एन का कुछ भी नहीं है और अपने पास में, तो आगे वाला लिख दो प्लस का टू एन एल, क्या लिखोगे प्लस का टू एन एल, सबको अपन ने लिख दिया। अब क्या करना आपको, जो एड हो रहा है उनको एड कर दो, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर, टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर, तो लिख दो टू एम स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर, तो लिख दो टू एन स्क्वायर, फिर टू एल एम ये लिख दिया टू एल एम, फिर टू एम एन ये लिख दिया टू एम एन, फिर टू एन एल ये लिख दिया टू एन एल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सब में एक चीज कॉमन आ रही है, कॉमन क्या आ रही है, देखो टू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में क्या है टू कॉमन है, तो टू को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो टू को तो बाहर लिख दो, बाकी सबको ब्रैकेट में बंद कर दो। देखो एल स्क्वायर में से टू तो बाहर चला गया, क्या बचेगा एल स्क्वायर बचेगा, प्लस टू एम स्क्वायर में से तो टू तो बाहर चला गया, क्या बचेगा एम स्क्वायर बचेगा, प्लस टू एन स्क्वायर में से टू बाहर चला गया, क्या बचेगा एन स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा एल एम बचेगा, यहाँ पे एम एन बचेगा और यहाँ पे एन एल बचेगा। इस तरीके से ये अपना आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा।